इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी पीएनबी बैंक को कैसे एक्टिवेट करें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पीछे क्रिएट कर रहे थे। अब से जितने सारे प्रॉब्लम थे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। अब इसे कैसे लॉग इन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आपके पास सामने आएगी, सारे चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर कैसे लॉग इन करें वही डिटेल आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पीएनबी बैंक का ऐप इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले पीएनबी बैंक को एक्टिवेट कर लेना है। अगर आपसे यहाँ पर मांगा जाता है सबसे पहले एम पिन, तो जो भी आपका एम पिन है उसे अगर आप टाइप करते हो जो कि आपका बिल्कुल सही है, तो जैसे टाइप करते आपके सामने यहाँ पर आ जाता है योर आई डी हैज बिन एक्सपायर्ड ड्यू टू मोर देन 180 डेज, आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, तो सबसे पहले आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। बनाना कैसे है आइए आपको बता दे। देखो, सबसे पहले आप इसको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको एक सामने से ऑप्शन मिल जाता है ट्रबल साइन इन का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि फॉरगेट एंड रिसेट जो ऑप्शन दिया पासवर्ड के लिए, हम यहाँ पे जाने के सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो आईडी है यूज़र आईडी आपको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यूज़र आईडी अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक दिया गया, प्लस वीडियो को वॉचआउट कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे आ सकते हो, उसका अपना आईडी जान सकते हो। तो जो भी आपका यूज़र आईडी है उस यूज़र आईडी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाता है, तो उस ओटीपी नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। चलिए, हमारा ओटीपी अब आ चुका है, हम यहाँ पे अपना ओटीपी टाइप कर देते हैं। टाइप करते हैं, उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपसे कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, कार्ड का नंबर और जो अकाउंट में आपका लिंक है कार्ड का डिटेल्स, वो आपका अकाउंट नंबर यहाँ टाइप किया जाएगा। उसके बाद आपका जो पिन है उस पिन नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो चलिए, हमारा जो कार्ड का नंबर है डिटेल अपना फुलफिल कर देते हैं। कार्ड की डिटेल फुलफिल करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अपना लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों करके इनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पर टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद आपको जो पासवर्ड है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है उसका टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। देखने के बाद आपको क्या करना है, इसे बैक आ जाना। बैक पर आने के बाद फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना और जो भी आपने पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड का एग्जाम्पल आप यहाँ देख पा रहे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुली बन जाता है। अब आपको फिर से यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से जो आपका एम पिन है उस एम पिन को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद देखोगे कि आपका जो ऐप है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जहाँ सबसे पहले आपको ओके करना, ओके करने के बाद जो भी सर्विसेज है इसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करो।